तो हम दिल्ली की राजनीति की खबर पर लगातार बने हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पकने की खबर आ रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चुनाव पूर्व गठबंधन की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ऐसी संभावना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने माना है कि कांग्रेस के नेता उनकी पार्टी के संपर्क में है और दिल्ली की 7 लोकसभा में से 1 सीट मांग रहे हैं। आपके पूर्व नेता और केजरीवाल के करीबी रहे कपिल मिश्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं बल्कि ये फटबंधन है। गठबंधन तो नहीं, इसको फटबंधन कहना होगा। फटबंधन, फटी हुई चादर पर पैबंद लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें खास बात यह है कि गठबंधन की सीट शेयरिंग की जो डेस्परेशन है वो केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से है। कांग्रेस के ज़्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी गिरता हुआ ग्राफ है, गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी पंजाब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुकी है और दिल्ली में 3 सीटें, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक, ये कांग्रेस को देने का ऑफर भी कर चुकी है। कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है आशीष खेतान और मनीष तिवारी जी की। मुझे तो ये भी पता लगा है कि मनमोहन सिंह जी के घर भी केजरीवाल होकर आए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है वो लगातार मना कर रही है, चाह नहीं रही है कि इस प्रकार का कोई गठबंधन हो। और केजरीवाल चाह रहे हैं राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए कि गठबंधन हो। खास बात यह है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए आए थे, भ्रष्टाचार की बातें, बड़ी बड़ी लिस्ट निकाली थी दागी नेताओं की, आज राजनीति में खुद को बचाए रखने के लिए पूरी तरह घुटने टेक दिए उस कांग्रेस के सामने केजरीवाल जी ने। तो आपके बागी नेता के जो सुर हैं वो भी जनता ने सुन लिए, वो लगातार हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पर। जो बिल्कुल वो हमलावर हैं और कह भी रहे हैं कि पहले कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते थे, अब उन्हीं के साथ आने को तैयार हो गए। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी को कोस कोस कर राजनीति में आए, इसमें कोई दो राय नहीं। ईमानदार राजनीति का दावा करने वाले केजरीवाल की राजनीति भी जरा आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी को गाली देते रहे हमेशा और राजनीति में आए। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस पर घोटाले के कई सारे आरोप, ढेर सारे आरोप लगाए। दिल्ली में पहली बार कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद यह सरकार 49 दिन तक चली। बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाने के बाद उन्होंने माफी भी मांगी है। अरुण जेटली से खुद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल के पुराने बोल जब वो कांग्रेस और बीजेपी को साथ कोसते थे। राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। फिर वो मोदी जी से मिले और मोदी जी से मिलने के बाद ये घोषणा हो गई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेस को पूछा नहीं जाएगा। तो क्या ये डील हुई है दोनों के बीच में? राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के बारे में बता नहीं रहे, केवल कह रहे हैं कि मैंने अपना मुंह खोल दिया तो भूचाल आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और फिर वो जाके नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं और डील कर लेते हैं। मुझे लगता है जिस भूचाल की बात कर रहे हैं, भूचाल तो तब आ जाएगा जब कांग्रेस पार्टी के साथ उनका इनकी कुछ खिचड़ी बन जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है, पहले गालियां दी और अब गले लगा रहे हैं। बिल्कुल, अब गले लगाने की तैयारी। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर डिनाई कर रही है और नवीन जैन जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो भी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।